दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम इंग्लिश मैन में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग टॉपिक आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 पे YouTube पे बहुत वीडियोस बन रही हैं कि आर्टिकल 13 से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ आर्टिकल 13 क्या है और इसका हमारे YouTube चैनल पर इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इब्राहिम इंग्लिश मैन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आर्टिकल 13 जो है वो एक कॉपीराइट रूल एक तरीके का, जो अभी हमारे इंडिया में लागू नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में एक वीडियो बन रही है कि सबका चैनल डिलीट हो जाएगा, सबकी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो अभी हमारे इंडिया में लागू हुआ ही नहीं है। जो उसकी बात चल रही है वो यूरोप में लागू होने की बात चल रही है, वो भी अभी यूरोप में भी लागू हुआ नहीं है, सिर्फ चल रही है। उसकी वोटिंग होगी, उसके बाद कुछ वो लागू होगा। और इंडिया में तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की तो अभी बात भी नहीं हो रही कि आर्टिकल 13 इंडिया पे लागू होगा या नहीं। तो हमारी वीडियोस और चैनल कहाँ से डिलीट हो जाएंगे? मैं आपको बता दूँ इससे क्या होगा, जो वीडियोस में मीम्स लगाते हैं यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, कोई भी कॉपीराइट कोई भी किसी का मटेरियल यूज़ करेगा, किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करेगा, उसकी वीडियोस डायरेक्टली डिलीट कर दी जाएगी। अब जो हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उसके बीच में जो स्लाइड शो लगाते हैं, कुछ फोटोज लगा देते हैं, फ़ोटो चलते रहते हैं, किसी की छोटी सी वीडियो क्लिप लगा देते हैं उठा के वो चलती रहती है, किसी का म्यूज़िक लगा देते हैं वो चलती रहती है, ऐसा पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं वीडियो में, तो वो सारी वीडियोज़ डिलीट कर देगा यूट्यूब। लेकिन ये जो सिस्टम है वो इंडिया के अंदर नहीं है, अभी यूरोप के अंदर इसकी बात चल रही है लागू होने की आर्टिकल 13 की। इससे इंडिया का क्या इफेक्ट, इससे इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया तो अभी इसके कहीं चर्चे में भी नहीं है कि इंडिया पे भी हमें लागू करना चाहिए। ये जो बात चल रही है वो यूरोप के लिए चल रही है, तो हम इंडिया में क्यों टेंशन लें भाई? हमारा चैनल तो बिल्कुल सेफ़ है, आप ओरिजिनल वीडियोस बनाते हो, आपका चैनल सेफ़ रहेगा, आप कोई कॉपीराइट यूज़ नहीं करते, आपका चैनल सेफ़ रहेगा। अगर इंडिया पे भी लागू होता है, आपका चैनल ओरिजिनल है, आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, तो आपको डरने वाली बात कौन सी, आपको तो डरने वाली बात है ही नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और वैसे भी ये जो आर्टिकल है वो भी यूरोप में लागू होने की बात चल रही है, हुआ नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, चैनल डिलीट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन हिट लाइक बटन, प्रेस सब्सक्राइब बटन, डू शेयर एज यू कैन, दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू गिव योर आंसर एएसएपी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इब्राहिम इंग्लिश मैन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।